भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदर क्षेत्र के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन पिपराइच विधानसभा के जीतपुर बाजार में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, नीव और वर्तमान सांसद प्रवीण निषाद, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि देश की विकास के पथ पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान रहा है, इसलिए आप सभी लोग एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने में अपना योगदान दें। अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमको नचनिया कहते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहता हूं कि इसी नचनिया ने फिल्म सिटी में 50,000 लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन किसी का जमीन पर कब्जा नहीं किया है, गरीबों के हक पर डाका नहीं डाला है। इसलिए योगी जी महाराज ने हमको यहाँ के जनता की सेवा के लिए बुलाया और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र का पूरा विकास करूंगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का विकास सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। मोदी सरकार ने लोगों को शौचालय दिया, आवास दिया, किसानों को सम्मान निधि दिया, रसोई गैस दिया, विद्युत कनेक्शन दिए, इसके साथ वो सब कुछ दिया जो लोगों की जरूरतों में शामिल था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, कई हजार हेक्टेयर भूमि और सरकारी मकानों पर से कब्जे हटाए गए। सपा मुखिया पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब सरकारी आवास पर कब्जा किए बैठे अखिलेश से मकान खाली कराया गया तो उन्होंने मकान से टोटी भी खोल ली। सीएम योगी ने कांग्रेस सी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर अपनी अप्रोक्ष पर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व मुंह नोचवा हुआ करता था, उसी प्रकार कांग्रेस मुंह नोचवा के तर्ज पर वोट कटवा का काम कर रही है। सीएम योगी ने जनता से केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए जनता से अपील की और कहा कि देश के विकास के लिए मोदी सरकार का केंद्र में होना जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से मोदी सरकार बनाएं। मैं निवेदन करूंगा इस पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोरखपुर लोकसभा के इस विजय संकल्प रैली के इस कार्यक्रम में इस मंच पर हृदय की धड़कन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास की जो गति मिली है पूरे प्रदेश को और खास करके पूर्वांचल जिसमें विकास की गति धीमी हो गई थी, शून्य हो गया था, वो कहीं न कहीं अपने आप पर गौरव महसूस कर रहा है। देश लिया था उस चीनी मिल को जो
किसानों के चेहरे से जो खुशहाली सपा और बसपा की सरकारों ने छीन लिया था, आज महाराज जी ने पिपराई चीनी मिल को चला करके हम किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास किया है। ये ऊर्जा का संचार आप सभी के बीच में हो रहा है और हम सभी लोग एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, माननीय महाराज जी का सेवक होने के नाते और जो विकास के काम उत्तर प्रदेश की दो वर्ष की सरकार में और केंद्र की पांच वर्ष की सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंचने की काम की, इनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप लोगों ने 2014 से पहले भी वोट डाला होगा, लेकिन जब आपने 2014 में वोट डाला तब आपको पता चला कि दिल्ली में जितनी भी योजनाएं बनती थी इसके पहले उसका लाभ हमें अभी तक नहीं मिलता था, लेकिन जब उस कुर्सी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे तो निश्चित तौर पर उन सारी की सारी योजनाओं का लाभ आपके द्वार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत माता की जय, भारत माता की, हिंदू से गोरखपुर इजीतपुर बाजार और उत्तर प्रदेश इनके आत्मा में बसेला ऐसे पूज्य महाराज जी के गोड़ झुके। 24 घंटा दौड़न हो, राति के 2 घंटा सुतत तो यूं तो इनका दिमाग नींदों में दौड़ेला कि कैसे बढ़ाई गोरखपुर के, कैसे बढ़ाई उत्तर प्रदेश के, कैसे बढ़ाई अंग्रेज समाज के, हमरे कुल बिरादर के। बहुत अच्छा छोड़ भाई बोलन सांसद, ये कुल मोदी योगी जी का गर्दा चलता हो, ये चमत्कार बा मोदी जी का, ये चमत्कार बा मसीहा का, जो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आइलन और पहली बेर एगो प्रधानमंत्री देश में आया आजादी के बाद और पहला शब्द का निकलल मालूम बा, यहां से हम बौरा गए उनके पीछे, हम पगला गए, हम दीवाना हो गए उनकर बोलना कि माई बहन खातिर शौचालय चाहिए। बात बहुत छोड़ बा लेकिन बात बहुत बड़ बा, हो हमरे घरे कल्चर खेत खलियान में जात रहे, हमार माई खुद दिन भर पेट पकड़ के कहे कि भोर हो गई, बोले कहे रे माई पेट पिराता, बोले हाँ बच्ची नहार हो जाए तब जाए ना तो गांव देख ले, तब ले पेट में अपन कुल दबा के बैठे बा, हमरे माई के हम देखनी पीड़ा, हमरे माई का हम वो पीड़ा देखनी कि जब तुरंत बच्ची के भूख लगल बा और रोटी से के में अगर माई का आंख से पानी लोड़ लोड़ बहता तब देखनी हमरे प्रधानमंत्री हमरे योगी जी पहलन सिलेंडर हमरे माई बहन की खातिर हो हमरे प्रधानमंत्री जैसे हमरे पूज्य योगी महाराज जी को साधारण परिवार से तो देखने की किसान खातिर 6000 रुपया शुरू कर देना योगी महाराज और मोदी जी 6000 रुपया जेकरा में 2 किस्त भेटा गेल और जेकरा के ना भेटाइल वो आवता, लेकिन हमरे देश के कुल किसान लोग बम बम बोला तड़ान हो। माई लोगन योगी जी नारी शक्ति को बड़ा शक्ति देना सुरक्षा से लेके हर तरीके से दुनिया है का हो रे माई बोल रहे हम नचनिया है का हम नचनिया है रे माई बोल हम नचनिया है हम का है और हम खून पसीना से कमाईला अपन कला बेच के कमाईला ये कोई जमीन
चेहरा है हम कलाकार ही हो, हम कला बेचिया क्यों गरीब का जमीन ना मारे हम, क्यों का जमीन ना गिराए, जेब तो ना करे हो, चोरी तो ना किए, भीख तो नहीं मांगे। हमारे बस यह गुना था कि हम गरीब रही, हमारे बाबू जी गरीब पर हम अमीर बाप में लड़का ना है, हमारे पिताजी मुलायम सिंह यादव ना पढ़े, यह हमारे पाप का। लेकिन पूछे महाराज जी के सम्मान में दाग ना लगे दे, ये वचन बार महाराज जी के चरण छू के वचन बांटे, यहला शूटिंग करा स्टूडियो लगाए, लड़का बच्चा लोगन के जैसे भोजपुरी सिनेमा बनाए, सब लोगन के काम दे, रोजगार दे, यहला नाचा यहला सेवा का। हमारे कौन बिरादरी, हम तो कलाकार ही हो, भगवान का आशीर्वाद माई भगवती जमा हमरे पर, हम कलाकार है, हसाई या रुड़ाई, सेवा करे का मौका देवा, सेवक बनब, हमके आशीर्वाद देवा, सेवक बनब, यहरा रहा मोहतीपुर में आवास ले रही, मेहरारू भी आ गई हमारे। अरे मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, मोदी लाओ देश बचाओ, जाग रहा है चौकीदार, मोदी लाओ देश बचाओ। भैया हो पूज्य योगी महाराज की है हंकार, अरे मोदी लाओ देश बचाओ, बहुत हो गया अत्याचार, कहे की भैया हो 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है, आशीर्वाद लिया भैया 19 मई के, 19 मई के हर आदमी निकली खड़े से, सब लोगों के लेके निकलिया, चलो वोट करे, चलो मोदी जी को जिताए, मोदी जी के जिताए हो, हमारे प्रधानमंत्री के जिताया, ना तो पाकिस्तान के कुकुर बना के मारी हो। आतंकवाद के छाती पे जूता रख के रगड़ी हो। नमः पार्वती पते, हारा हारा महा, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 19 मई महाराज जी के सम्मान लौटाए के बाद मंदिर के सीख मंदिर में जाई, धन्यवाद। आपने मुझे बार बार सुना, लेकिन विकास कला का संगम भी हो, रवि किशन को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि कम से कम आप सबका मनोरंजन भी हो और साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों को भी फिल्मों में काम करने का अवसर प्राप्त हो। बहुत सारे लोग इसमें चाह रहे होंगे, लेकिन महेंद्र पाल तो फिर कह रहा मैं जब फिल्मों में काम करूंगा तो मैं भट्टा का मालिक ही बनूंगा। योगी योगी जी, आप देख रहे होंगे कि इसी प्रकार से राजेश के साथ बोल रहे हैं कि अगर मुझे फिल्मों में काम करने का अवसर मिलेगा तो मैं जमीन का ही काम करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, पूरे देश के अंदर जो आवाज आपकी है, पूरे देश के अंदर वही आवाज है, और जो उत्साह आपने दिखाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे देश के अंदर
आरक्षण प्राप्त हुआ और सभी राज्यों में एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है और नारा है फिर एक बार मोदी सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद 5 वर्ष में जिस गरीब को शौचालय दिया गया, गरीब को विद्युत का कनेक्शन दिया गया, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया, गरीब को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य का निःशुल्क व्यवस्था हर वर्ष करने के लिए व्यवस्था की गई, गरीब किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था भी किसी ने की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आपने देखा होगा मोदी जी ने 5 साल में किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी की भाषा नहीं देखी। उन्होंने तो कहा सबका साथ और सबका, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फलानी जाति को दूंगा फलानी जाति को नहीं दूंगा, फलाने क्षेत्र को दूंगा फलाने क्षेत्र को नहीं दूंगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ की आबादी मेरा घर है, मेरा परिवार है और इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपने देखा होगा ना प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति को, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 7वें चरण में 19 तारीख को आपको भी मतदान करना है और याद रखना ये चुनाव देश का है, ये चुनाव ग्राम पंचायत का नहीं है, नगर पंचायत का भी नहीं है। भारत की बागडोर किन हाथों में सौंपेंगे, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो या जो देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करते हो। भारत की बागडोर किन हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो लोग केवल अपने घर को भरना चाहते हैं या जो देश के प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाना चाहते हैं। ये आवाज देश की आवाज बन चुकी है और ये आवाज बन चुकी है तो इसको लेकर के जब तक हम जातिवाद की दीवारों को नहीं ढहाएंगे, क्षेत्रवाद और भाषावाद की दीवारों को नहीं ढहाएंगे तब तक विकास नहीं होने वाला है। और भाइयों बहनों आपने 2014 और 2017 में इस प्रकार की दीवारों को ढहाया, उसका परिणाम आपके सामने। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने का काम प्रारंभ हो गया ना, 15 देख रहे होंगे ना, देखो कितनी ऊंची चिमनी बन रही है। 1 साल के अंदर जब फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी और किसानों को समय पर सस्ता। गोरखपुर में एम्स बन गया ना, अब तो उसकी ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है और जुलाई से वहां एडमिशन भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो बीमारी का उपचार करने के लिए लखनऊ दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था अब वहां के लोग अपना उपचार करने के लिए गोरखपुर में ही आएंगे। गोरखपुर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स खुला है, यहाँ के लोगों को नौकरी भी मिलेगी, उपचार भी होगा और नौजवान लड़कों को प्रवेश के लिए डॉक्टर बनने के लिए अवसर भी प्राप्त होगा। ये पिपराइज विधानसभा सीट है, पिपराइज विधानसभा में चीनी मिल थी, सपा ने बंद कर दी थी और मायावती जी ने बेच दी थी। देखो ना कितने किसानों के पेट पे लात मारा था, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया था, वे लोग बेच रहे थे, बंद कर रहे थे। हमने कहा नहीं, गोरखपुर के किसी मिल को बंद नहीं होने देंगे, फिर से पिपराइज की चीनी मिल चलेगी और पिपराइज की चीनी
की पेराई होगी और बाद में उसको बढ़ा करके 75,000 क्विंटल प्रतिदिन हम लोग करेंगे। वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी चीनी बनेगी, शुगर फ्री सल्फर फ्री चीनी। और साथ साथ अब तक जो डीजल और पेट्रोल हम अरब देशों से मंगाते हैं ना, अब शुगर मिल से ही चीनी मिल से ही हम लोग डीजल और पेट्रोल बनाने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। एथेनॉल बनेगा, हमारी गाड़ी भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी और हवाई जहाज भी चलेगा। और बिजली, आप मुझे बताइए 2017 के पहले जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो बिजली आती थी क्या? आज तो बिजली मिल रही है ना। और जिन गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहां विद्युतीकरण का कार्य भी हमने कराया है और जो बचे होंगे उनमें 2 साल के अंदर सब में बिजली कर दिल्ली के जाएंगे और हर घर को फ्री में बिजली भी देंगे। देखिए ये बदलाव आया ना, ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि बीजेपी है और मैंने ये पीड़ा देखी है आप लोगों की कि बिजली नहीं आती थी। मैं किसी कार्यकर्ता को फोन करता था कि कार्यकर्ता कहाँ है, पता लगा कि वो कहीं दूसरी जगह मोबाइल चार्ज करने के लिए गया है, बिजली नहीं रहती थी। मोबाइल वो भी चार्ज करने के लिए उसको शहर जाना पड़ता था। हमने कहा नहीं, गांव में बिजली देंगे और घर तक बिजली पहुंचाएंगे। बिजली मिल गई ना। और 2 साल पहले तक 1 क्विंटल गेहूं का दाम इतना मिल पाता था, किसान कब उपज पैदा करता था, 1 क्विंटल का गेहूं का दाम उसको 800 से 900 रुपया मिलता था। आज आप जाइए गेहूं 1 क्विंटल लेकर के आप जाएंगे क्रय केंद्र में, क्रय केंद्र वाला तोलेगा और तोलने के बाद एक पर्ची दे देगा, 48 घंटे के अंदर 1860 रुपए उस किसान के खाते में सीधे आ जाएगा, पैसा सीधे जाएगा। अभी व्यवस्था समाप्त, ये नगद लें और उसमें भी कुछ कटौती कर दें। हमने कहा नगद लेन देन बंद करा दो, किसान को सीधे मिले, मजदूर को सीधे मिले, गरीब को शासन की योजना सीधे उसके खाते में जाए। ये काम किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया, हमने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। यहां तो फिर भी मैं सांसद था, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहता था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाते कितनी खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। वहां की बहुत बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई जबरदस्ती उठा के लेके चला जाता था, कोई एक्सीडेंट कर देता था, कोई कुछ और कर देता था। हम चुनाव में जब गए थे 2017-2014 में लगातार लोग यही बात करते थे कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी और संयोग से मोदी जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेज दिया। और जब मैं आया तो मैंने पहला काम क्या किया, मैंने कहा देखो भाई, अगर किसी ने किसी गरीब की, किसी महिला की, किसी बहन की, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी को धमकी दिया, किसी की जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया, तो नोट करना, तो या तो जेल होगी या राम नाम सत्य की यात्रा मिलेगी। प्रदेश में कहीं गंगा प्रसाद नहीं है, नहीं तो कोई पर्व त्योहार आता था और पर्व त्योहार में एक तो बिजली नहीं देते थे सपा बसपा के लोग, दूसरा तो परमिशन भी नहीं देते थे और तीसरा पर्व त्योहार के समय रोज दंगा करके पर्व त्योहार को खराब कर देते थे। सही बात है, सही है। 2 साल हो गए हमारी सरकार को, कोई दंगा नहीं और हमने भी व्यवस्था की है और त्योहार मनाने में कोई व्यवधान नहीं डालेगा और व्यवधान डालेगा तो फिर जो व्यवधान डालेगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर देंगे। आज पर्व और त्योहार में आपको माइक बजाने से कोई रोक नहीं सकता, डीजे बजाने से कोई रोक नहीं। हमने तो प्रयागराज में भी कुंभ मेला हुआ था ना, कुंभ मेले में हर स्नान के दिन मैंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। मैंने कहा जितने श्रद्धालु आ रहे हैं सबको
आपकी आस्था का सम्मान कौन कर सकता है? केवल बीजेपी। कौन आपकी सम्मान की रक्षा कर सकता है? केवल बीजेपी। आपको मकान कौन दिला सकता है? हर गरीब को। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है 2022 तक हर गरीब को मकान देंगे। जिसके पास अपना मकान नहीं होगा उसको मकान देंगे। अभी तो बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई किया हूँ और यहाँ भी कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अभी आप भूले नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जमीनें लिखवाई हुई हैं और कार्रवाई कर रहा हूँ। 54,000 हेक्टेयर लैंड को अब तक अवैध कब्जे से मुक्त करा करके कई मेडिकल कॉलेज बनाया हूँ, कई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हूँ, कई पॉलिटेक्निक, कई इंटर कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज, कई आईटीआई, कई गौशाला और बाकी बची हुई जमीन गरीबों में भी पट्टा करके उनको मुफ्त में और बाकी जो जमीन बची है अब तो मैं ये भी व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि जितनी जमीन पर जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उस कब्जे को हटाने में जो खर्चा आएगा उसी से हम वसूल भी करेंगे जिसने अवैध कब्जा किया है। और बड़े बड़े भूमाफिया इसकी चपेट में आएंगे और उस जमीन पे फिर हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और गरीबों में उसको मुफ्त में बांटने की कार्रवाई भी करेंगे। सरकार कैसे चलनी चाहिए जो गरीब के चेहरे पर खुशहाली ला दे, हर नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी दे सके, सड़क बना सके, बिजली दे सके, स्कूलों की व्यवस्था में सुधार ला सके। पुलवा घाट का पुल कब से लंबित पड़ा था? लोग नहीं बनाते थे, बनाते थे केवल। हमारी सरकार आई, हमने कहा एक झटके में बनाओ, चलो आप बन गया ना, पुल भी खड़ा हो गया। ये पूरा क्षेत्र गोरखपुर के साथ जुड़ गया है, इतनी चौड़ी सड़क, शानदार सड़क, ये है विकास का कार्य और पूरे देश के अंदर यही कार्य हुआ है। आप इसको स्वीकार करते हैं? आप मानते हैं ना कि मोदी जी ने भी और हमारी सरकार ने भी अच्छा काम किया? मानते हैं? हर गरीब को मकान मिलना चाहिए था ना, लेकिन क्या होता था मोहन जी की सरकार में? क्या होता था? अपना मकान बनाते थे, अपना बड़ा हवेली बनाते थे, लेकिन गरीब का हवेली नहीं बनता, गरीब का मकान नहीं बनाते थे। और बुआ जहाँ ये काम करती थी, बबुआ क्या करता था? बबुआ सरकारी पैसे से सरकारी मकान बनाता था और जब कोर्ट खाली करने के लिए कहता था तो बबुआ वहां की टूटी चोरी कर देता था। टूटी चोर देखा होगा ना आपने, तो क्या टूटी चोरी करने वाला व्यक्ति को वोट देंगे क्या? और इसीलिए भाइयों बहनों इसको घर घर पहुंचाइए। हमने तो प्रयास किया है हर गरीब के घर में शौचालय हो, नारी गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। खुले में शौच नहीं होगा तो बीमारी भी समाप्त हो जाएगी, मस्तिष्क जल समाप्त होगा। कितने बच्चे ये जो नौ की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की, मस्तिष्क ज्वर की, कितने मासूम बच्चे मरते थे यहाँ पर। हर वर्ष सैकड़ों बच्चे भर्ती होते, 500 600 बच्चे केवल अगस्त महीने में बिहारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते थे और 500 600 बच्चों में से 150-200 की मौत हो जाती थी। सपा को मतलब नहीं, कांग्रेस को मतलब नहीं, बसपा को मतलब नहीं, इनको केवल जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने से फुर्सत नहीं थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि डकैती नहीं डालने देंगे, जनता का पैसा सीधे जनता के पास जाएगा और उसके लिए मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाया। जनधन खाते का मतलब जिन गरीबों का बैंक में खाता नहीं था उन सब के खाते खुलवा दिए और कहा कि गरीब को अब लेन देन नगद नहीं करने देंगे, सीधे उसके खाते में पैसा देंगे जिसे बीच में कोई डकैती न डाल सके। तो एक तरफ मकान के लिए पैसा सीधे, शौचालय के लिए पैसा सीधे, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसान के खाते में और 5 लाख
स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क हर किसान को देने की व्यवस्था की जा रही है। एक बड़ा कार्य इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, जैसे पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में जनता ने एक संकल्प लिया था कि अब हमें और हाथी नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा हाथी को अंडा दे देंगे। पिछली बार बसपा के हाथी ने अंडा दिया था ना, यानी प्रदेश में 0 सीट पाई थी। इस बार भी ये काम होने जा रहा है। साइकिल को भी पंचन, सब साइकिल में हाथी बैठेगा तो साइकिल का तो टायर टूटेगा ही टूटेगा ना। तो आप लोग इस बात को बताइए कि हमें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए हमें। और कांग्रेस की सौजादी क्या बोलती है? वो कहती है कि कांग्रेस को वोट कटवा हो गई है। क्या बोलती है? यानी वो कह रही है हम भाजपा का वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वोट कटवा को वोट देंगे? आपने 3 साल 4 साल पहले एक बात सुनी होगी, अफवाह फैलती थी बहुत ज्यादा, मोनोचुआ की। मोनोचुआ की बात सुनी होगी ना, रोज लोग बरसात में हल्ला करते थे, मोनोचुआ आ गया, लोग सहम जाते थे। और कभी कभी तो अगर किसी को दुश्मनी निकालनी होती थी तो उस समय वह झूठ बोलते अफवाह फैला देता था, अरे मोनोचुआ आ गया, बहुत बार तो बहुत निर्दोष लोग मार खा जाते थे, जनता बड़ी धुनाई करती थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति भयभीत था कि मोनोचुआ पता नहीं किसका मोनोचुआ। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहूंगा कांग्रेस की भूमिका उसी मोनोचुआ की तरह है। किसी गरीब को मारना नहीं चाहिए, किसी अपरिचित पे ना उससे घात नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस वोट कटवा है, अपने वोट की ताकत से कांग्रेस की इतनी धुनाई करवा दीजिए कि कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़ने लायक ही न बचे, ऐसी स्थिति मान पाए। आप सब सहमत हैं? आप सब इस बात को मानते हैं ना कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनने चाहिए? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो ही हर गरीब को मकान मिलेगा, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना मिलेगा, तो ही हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब के घर में पेयजल की व्यवस्था होगी, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी स्कूल की व्यवस्था होगी, विधवाओं को विधवा पेंशन, विधवाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन, ये भरपूर मात्रा में मिलेगा। और अभी तो एक और व्यवस्था होने जा रही है, रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए श्रम योगी मानधन योजना बनाई गई है। हमने प्रदेश की तरफ से जितने आंगनबाड़ी हैं, आशा बहुएं हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, इन सबको इसके साथ रजिस्टर्ड कर दिया। इनको 60 साल की उम्र के बाद स्वतः ही 3,000 रुपए महीने इनको पेंशन मिलेगी। और जितने भी श्रमिक होंगे और सबको रजिस्टर्ड करके हम इस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। हमारी दूसरी योजना है, और वह योजना है कि लघु और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की योजना से जोड़ना, छोटे व्यापारियों को भी पेंशन देना। 60 साल की उम्र के बाद जितने छोटे व्यापारी और छोटे किसान हैं, उन सबको भी हम पेंशन देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और साथ साथ 5 एकड़ से ऊपर की जितनी भी खेती होगी, जितनी खेती जिसके पास होगी, हर एक किसान को 6,000 रुपए हर वर्ष उनके खाते में स्वयं आएगा। यह कार्य भी सरकार करने जा रही है। एक तरफ लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली, इस देश के आन मान और सम्मान के विरुद्ध आचरण करने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा, जिनका कोई आचरण नहीं देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज में विद्वेष पैदा करना जिनका एकमात्र कार्य है,
दूसरी तरफ ये लोग हैं। और भाइयों बहनों, यह देश जब सुरक्षित होगा तो ही तो हम भी सुरक्षित होंगे ना। आपको लगता है कि देश अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या हम सुरक्षित हो जाएंगे? यह देश जब सुरक्षित होगा तो ही हम सुरक्षित होंगे ना। यह देश सुरक्षित होना चाहिए, जोर से बोले, यह देश सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? चारों ओर हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित भी हैं? चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर हर व्यक्ति 19 मई को वोट डालेगा पूरी तैयारी के साथ। भारत को फिर से दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेंगे सभी लोग। तो आज से आपके पास अपना स्मार्टफोन भी होगा। चुनाव तक देखो 19 मई तक आप में से कोई व्यक्ति प्रत्याशी के साथ सेल्फी नहीं लेगा। सेल्फी कहां लेगा? आपकी अच्छी सड़क बनी होगी, आपके गांव में किसी गरीब का मकान बना होगा, आपके गांव में किसी गरीब को जो शौचालय बना होगा, आपके गांव में किसी गरीब के कोई अच्छा स्कूल बना होगा, आपके आसपास कोई अच्छा कार्य हुआ होगा। पहले संजाई में भी पेंटून ब्रिज नहीं था, पीपे का पुल नहीं था, लोग मांग कर रहे थे 50 वर्षों से। और मैंने एक दिन महेंद्रपाल सिंह विधायक से कहा, मैंने कहा जाओ वहां पर और पेंटून ब्रिज आप बना करके आओ। मैं अधिकारी से मैंने कहा जाओ बना के लाओ उसको, एकदम बन गया ना। मैं कल उधर से जा रहा था, देख रहा था पेंटून ब्रिज बना हुआ, पीपे का पुल बना है, लोग आ जा रहे हैं। क्या है फैलवा घाट के पुल को बनाने के लिए हमने वहां पे सर्वे करने का आदेश दे दिया है। आपने देखा होगा जंगल कोडिया को जोड़ने के लिए, ये तटबंध से जोड़ने के लिए भी हमने एक पेंटून ब्रिज यहाँ भी दे दिया है। यानी जो जहाँ की आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति बिना आपके मांगे किया जा रहा है। विकास आपके पास आ रहा है बिना भेदभाव के आ रहा है, और जब विकास बिना भेदभाव के आ रहा है तो वोट भी तो बिना भेदभाव के देना चाहिए। तैयार हैं सब लोग? सभी लोग इस बात को मानते हैं ना कि मोदी जी के आने पर देश सुरक्षित होगा? मोदी जी के आने के बाद देश में हर परिवार में समृद्धि आएगी। मोदी जी के प्रधानमंत्री फिर से बनने पर भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। सब सहमत हैं? तो कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।